हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि मैक्रो की सहायता से हम अपने कॉलम की विड्थ को ऑटोमेटिकली कैसे फिट कर सकें, ताकि हमें जो टाइम लगता है कॉलम विड्थ सेट करने को वो हमें इजीली आसानी से हो जाए और हमारा टाइम सेव हो जाए। तो गाइज, उसके लिए करना क्या है, एक छोटा सा हम कोड यूज कर लेते हैं वीवी में। तो हमें करना क्या है, जिस भी शीट पर आप चाहते हैं राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे, और आप यहाँ पे ऑप्शन में जाइए व्यू कोड। आप यहाँ पे विजुअल बेसिक ऑन हो जाता है हमारा। आप यहाँ पे एक छोटा सा कोड हमें टाइप करना है, यहाँ से जो ऑप्शन है जनरल, आप यहाँ से चेंज कर लेंगे किसमें गाइस, वर्कशीट्स में। वर्कशीट में चेंज किया और यहाँ से दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, सिलेक्शन चेंज होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम छोटा सा एक कोड लिख लेते हैं, वो कह रहा है गाइस सेल्स डॉट एंटायर कॉलम, देखिए नीचे आप आ रहे हैं, आप इसे सिलेक्ट करके टाइप यूज कर सकते हैं, पूरा टाइप भी कर सकते हैं। देन डॉट अगेन यूज करेंगे और यहां से हम यूज करेंगे ऑटो फिट, ठीक है गाइस। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसे यहां से क्लोज कर देंगे। अब देखिए, मैं थोड़े से एरिया में एक बॉर्डर ले लेती, जनरल नहीं है, आप ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते। जैसे मैंने एक हेडिंग दे दिया कि आपको हाईलाइट हो, जैसे मैंने यहां पे दिया नेम ऑफ स्टूडेंट, देखिए मैं यहां से टैब यूज कर रही थी, कॉलम ऑटोमेटिक सेट हो चुका है। ऐसे मैं यहां पे ले लेती हूं एड्रेस, देखिए टैब यूज करते सेट हो गया। अब यहां पे मैं जैसे एप्लीकेशन नेम दे रही हूं, टैब यूज कीजिए, तो देखिए ऑटोमेटिक ही हमारा विड्थ सेट हो रहा है जो भी हम हेडिंग दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो गाइस, एक सिंपल सा कोड यूज करना है, ये आपके बहुत ही काम करने वाले हैं, घंटों का काम आपको मिनटों में हो जाएगा, आपको हर कॉलम के विड्थ सेट नहीं करना पड़ेगा। तो आपको एक छोटा सा कोड यूज करना है गाइस, और इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि हमेशा ये हमारा कोड एडिट रहे इसमें, क्योंकि हम नॉर्मल फाइल सेव करके दोबारा यूज करते हैं तो ये हट जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब गाइस आप फाइल सेव करेंगे, जैसे आप यहाँ पे सेव में जाते हैं, तो आप यहाँ फाइल का नाम दे दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया मैक्रो, यहाँ पे सेव एज टाइप गाइस, यहाँ पे क्या है एक्सेल वर्कबुक, आप यहाँ से इसे हटा के आपको चेंज किस में करना है, ये मैक्रो रिकॉर्ड में चेंज करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए एक ऑप्शन है हमारा एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, ठीक है, तो इसमें हमेशा इनेबल ही रहेगा हमारा मैक्रो। अगर आप नॉर्मल सेव करते हैं तो हमारा मैक्रो जो अभी हमने अप्लाई किया वो ऑफ हो जाता है, तो हमें मैक्रो इनेबल रखना है, तो हम इसे ऑन कर लेते हैं, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर लेती हूँ, देन सेव किया, अब मैं इसे क्लोज भी कर देती हूँ इस फाइल को, मैं दोबारा ऑन करूंगी मैक्रो के साथ, तो ये हमारा जो भी हम यहाँ पे वर्क करेंगे तो ये हमारा सेम वैसे ही वर्क करेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे फादर्स नेम दे दिया, टैब यूज किया आपने, तो यहाँ पे इनेबल कंटेंट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक हमारा फिट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा एक सिंपल सा मैक्रो ऑप्शन और उसको सेव कैसे करना है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये बहुत ही काम आने वाली है। तो गाइस, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉच।